क्या आपने कभी सोचा है कि गाड़ी और प्लेन के सीट बेल्ट्स अलग अलग तरीके के क्यों होते हैं? दरअसल गाड़ी में शोल्डर बेल्ट्स दिए जाते हैं, यानी कि एक पट्टा आपके पेट पर होता है और दूसरा पट्टा यहाँ शोल्डर की तरफ से नीचे की तरफ आ रहा होता है, और ये दिया जाता है ताकि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो आप उड़ते हुए विंडशील्ड के थ्रू बाहर ना पहुंच जाए। लेकिन प्लेन्स में सिर्फ पेट पर एक पट्टा दिया जाता है, क्योंकि प्लेन का सीट बेल्ट का फंक्शन ही यही होता है कि अगर बाय चांस टर्बुलेंस हो, यानी कि प्लेन हिलने लगे, तो वो आपको अपनी सीट पर बिठा करके रखे। और इसी के साथ साथ अगर सडन ड्रॉप होता है, अगर एकदम से प्लेन की हाइट कम करी जाती है, तो उस समय भी आपको पर सेफली बिठा करके रखे। तो ऐसे में शोल्डर बेल्ट की जरूरत नहीं है, आपका काम सिर्फ लैप बेल्ट यानी कि पेट पर पट्टे से चल सकता है। इसी के साथ साथ पैसेंजर्स का कंफर्ट भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। और एनीवेज अगर प्लेन क्रैश होता भी है तो उस समय में शोल्डर बेल्ट हो या लैप बेल्ट कोई भी उतनी ज्यादा सुरक्षा प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो अगर आपने भी कभी इस क्वेश्चन के बारे में पहले सोचा था और आपको आज जवाब मिला है, तो शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।